जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए वोट अब दिल्ली में बैठे कश्मीरी पंडित भी डाल सकते हैं। 3 चरणों में होने वाले जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में 88.66 लाख से ज्यादा वोटर्स हैं। इनमें से लाखों वोटर्स ऐसे भी हैं जो जम्मू कश्मीर से बाहर रहते हैं। कश्मीरी प्रवासी भी वोट डाल सकें, इसके लिए चुनाव आयोग दिल्ली में भी पोलिंग बूथ बनाता है। जम्मू कश्मीर के मुख्य चुनाव आयुक्त पीके पोले ने बताया कि विस्थापित कश्मीरियों के लिए जम्मू, उधमपुर और दिल्ली में 24 स्पेशल पोलिंग बूथ बनाए जा रहे हैं। आइए समझते हैं कि कश्मीरी प्रवासी कंसिडर होने का क्राइटेरिया क्या है। जिसने 1 नवंबर 1989 के बाद घाटी या जम्मू कश्मीर के किसी भी हिस्से से पलायन किया हो और उसका नाम रिलीफ कमीशन में रजिस्टर हो। रिलीफ कमीशन की इस लिस्ट में बड़ी संख्या कश्मीरी पंडितों की है। कश्मीरी प्रवासी वोटरों की संख्या 1.25 लाख के करीब होने का अनुमान है। घाटी से पलायन के बाद ज्यादातर कश्मीरी प्रवासी जम्मू, उधमपुर और दिल्ली में आकर बस गए थे। तब से ही ये यहाँ रह रहे हैं। लोकसभा और विधानसभा चुनाव में कश्मीरी प्रवासी वोट डाल सकें, इसके लिए जम्मू, उधमपुर और दिल्ली में स्पेशल पोलिंग बूथ बनाए जाते हैं। 1996 में हुए जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में ये सिस्टम लाया गया था। तब से ही हर लोकसभा और विधानसभा चुनाव में कश्मीरी प्रवासियों के लिए पोलिंग बूथ बनाए जा रहे हैं। इस बार जो 24 पोलिंग बूथ बनाए जाएंगे, उनमें से 19 जम्मू में, 1 उधमपुर में और 4 दिल्ली में होंगे। पर सिर्फ जम्मू कश्मीर के प्रवासियों को ही क्यों मिलती है ये सुविधा? देश के बाकी हिस्सों में रह रहे प्रवासियों को क्यों नहीं? पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट 1951 की धारा 20A कहती है कि वोट देने के लिए व्यक्ति को पोलिंग स्टेशन जाना होगा। जिस विधानसभा में आपका नाम दर्ज होगा, आप वहीं के पोलिंग बूथ में जाकर वोट दे सकते हैं। इसी कारण अपना घर छोड़कर दूसरे शहर या राज्य में बसे प्रवासी चुनावों में वोट नहीं डाल पाते। अगर उन्हें वोट डालना है तो अपनी विधानसभा में जाना होगा। लेकिन जम्मू, उधमपुर और दिल्ली में रहने वाले कश्मीरी प्रवासी वोट डाल सकते हैं। इसको आप एक प्रकार के एक्सेप्शन की तरह समझें। दरअसल 1987 के विधानसभा चुनाव के बाद घाटी में आतंकवाद तेजी से बढ़ा। 1990 में आतंकवाद का दौर शुरू हुआ तो कश्मीरी पंडितों को उनकी जगह से भगा दिया गया। उस दौर में घाटी छोड़ने वाले कश्मीरी प्रवासी परिवारों की संख्या 44,684 थी, जिनमें 1.54 लाख से ज्यादा लोग शामिल हैं। गृह मंत्रालय के मुताबिक घाटी में शुरू हुए आतंकवाद में 219 कश्मीरी पंडितों की हत्या कर दी गई थी। यही वजह है कि कश्मीरी प्रवासियों के लिए वोटिंग के लिए अलग से सुविधा बनाई जाती है, क्योंकि ये लोग अब भी जम्मू, उधमपुर और दिल्ली में रह रहे हैं। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर की 90 विधानसभा सीटों के लिए 3 चरणों में वोटिंग होगी। पहले चरण में 24 सीटों पर 18 सितंबर, दूसरे चरण में 26 सीटों पर 25 सितंबर और तीसरे चरण में 40 सीटों पर 1 अक्टूबर को वोटिंग होगी। चुनाव के नतीजे 4 अक्टूबर को घोषित किए जाएंगे।